बिल्कुल, इनका काम खत्म हुआ, काम तो असल खत्म योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं सर। अरे क्या बात है, एनकाउंटर एक हुआ तो सब फुदक फुदक करके कि अपना जातिवादी नशा अखिलेश यादव पे चढ़ा, उसमें मंगेश यादव है, यादव है इसीलिए मार दिया गया, गरीब था। अब पूरा एक वीडियो सामने आ गया है कि उसकी बहन कह रही है कि वो मुंबई में नौकरी कर रहा है। नहीं नहीं, पहले मनीष जी जरा वो दिखा दीजिए, वो जो जो उसकी बहन पहले कह रही है, ये नहीं, ये वाला भी रुक जाइए, इसके इसके नीचे जो वीडियो पड़ा, इसके नीचे जो वीडियो, हाँ इसके बगल में ये होगा, हाँ ये इसके बगल वाला, हाँ इसकी जहाँ बैठी इसके बगल वाला वीडियो चलाइए, पहले जरा देखिए कि ये कैसे, हाँ ये छोटी बहन, हाँ ये जरा दर्शक इसको जरा ध्यान से सुने। हमारे साथ हैं प्रिंस जी, ये बताओ कि 28 अगस्त जिस दिन सुल्तानपुर में वहां पे घटना हुई, उस दिन मंगेश कहाँ थे? उस दिन मंगेश हमारे साथ थे, स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए, जो कि हम फीस कार्ड यहाँ घर पे छूट गए, हम फीस जमा नहीं कर पाए, फिर लेकर आए वापस मम्मी को दिए, और जब स्कूल से घर हम लौट के आए 2 बजे तो भाई हमारे घर पे ही थे। ये कब की बात? ये 28 तारीख को, 28 अगस्त। हाँ 28 अगस्त को कितने बजे से कितने बजे तक भाई तुम्हारी आंखों के सामने थे? वही 9-10 बजे तो स्कूल पे गए थे, फिर 2 बजे आए थे यहीं पे। मम्मी भी बता रही आज कहीं पे नहीं गया है, और वैसे पे पाही तक जाता था तो उस दिन घर पे ही था, वो जब हम आए तब पाही पे गया, वो खाना उना खाया तब पाही पे गया। एक चीज ये बताइए कि 28 अगस्त को पुलिस कह रही है कि सुल्तानपुर में जो ज्वेलरी शोरूम में लूट हुई उसमें मंगेश शामिल था 28 तारीख को। अब मनी जी इसको हटा लीजिए मनी जी, अब जरा पहले इसका ये बाद में दिखाइए मनी जी, ऊपर वाला इसलिए छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाला दिखाइएगा पहले, दर्शक समझ लें कि, और ये जरा ये जो सोनिया गांधी के देवर का चैनल वो बातचीत कर रहा है, उसके साथ कैसे बात कर रहा है देखिए, और वो लड़की बता रही है कि वो तो 28 तारीख को घर ही पे था, 2 बजे दोपहर तक वो घर में था। तो अगर इसकी कोई सफाई मनी जी उत्तर प्रदेश सरकार के DGP देते, यूपी पुलिस के, या कोई अधिकारी देता, या योगी आदित्यनाथ खुद देते, तो ये हवा में उड़ाते कि ये तो ये बहाना बना रहे हैं या कुछ भी बताते। तो योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साधे रखी क्यों कह रहा हूँ ये भी बाद में बताऊंगा। और ये नौटंकी चल रही है, ये नौटंकी पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रही है, अखिलेश यादव को भी दौरे पड़ रहे थे, मंगेश यादव और सारे वहां समाजवादी पार्टी, और जरा गौर करिए कि जिस समय लड़की बोल रही है उस सोनिया गांधी के देवर के चैनल पे, तो एक बैठा हुआ मनी जी मुस्टंडा बांधे लाल साफा, वो बिल्कुल जैसे कब्जा किया है कि उससे बिल्कुल सिखा के पढ़ा के रटा के कि तुमको यही बोलना है, और ये लड़की यही बोल रही है, कि गिद्ध की तरह की अकर जोंगा वही बोलना है। हाँ, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसको सिखा के पढ़ा के रटा के, ये इसकी कलाई योगी आदित्यनाथ को मुझको आज देख के मुझे बड़ी हंसी भी आई, और लगा कि हाँ ये वास्तव में हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है कि आपको गर्व करना पड़ेगा उसके ऊपर। अब मनीष जी जरा ऊपर वाले वीडियो पे आ जाइए, ये छोड़ दीजिए, ऊपर वाले ट्वीट पे है, जरा दर्शक देखेंगे वो मंगेश जिस दिन डकैती पड़ी थी उसके बाद लगातार उसके घर में रात में पुलिस छापेमारी कर रही थी, और तब ये लड़की क्या बता रही थी ये जरा देखिए। हाँ क्या, फिर तो बताइए क्या नाम है आपका? प्रिंस यादव। पिताजी का नाम? ये कौन गांव है? अगरोड़ा की रहने वाली है। थाना? जनपद। अच्छा कई भाई है आपका? क्या नाम है? मंगेश यादव। कहाँ रहते हैं वो? मुंबई है। कितने दिन से? 2 महीने से। घर नहीं आए? फिर आप उसके ऊपर तो मुकदमे हैं लूट उट के, तो अब कायदे से रहता है ना? हाँ सर, अब नहीं रहता, नहीं करता, रहता है यहाँ पे, यहाँ नहीं। ये भी नाम क्या है? नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव क्या लगती हो मंजेश के? मंजेश कई बार जेल गए हैं? दो बार। कहाँ से? जौनपुर से एक बार, एक बार सुल्तानपुर। अच्छा वो खाल के मार के हम सारे गए। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे भाई 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। शादी हुआ है उसका? ना है शादी। कई लड़के हैं आपके? एक ही।
एक ही लड़का है। अब जरा दर्शक समझे इस बात को कि उस समय जब पुलिस यहाँ छापेमारी कर रही थी तो दोनों माँ बहनें ये बता रही थी कि वो तो 2 महीने से नहीं है, वो तो बम्बई में मजदूरी कर रहा है और यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो बेचारा यहाँ है ही नहीं। तो ये जो 2 महीने पहले बम्बई में था और वो उसके एनकाउंटर के बाद जो अखिलेश यादव सामने आया और वो आ गए चौकीदार सारे समाजवादी, तो वो अब बता रही कि हम तो स्कूल गए थे, हमको छोड़ने गया था, अब 2 बजे वो घर पे बैठा था। तो अब क्या सच है जरा ये आप समझ लीजिए। तो योगी आदि ऐसा तो है नहीं मनीष जी, ये पुलिस वीडियो बना रही है, ये दर्शक समझ ले। और आपको हालात देख के समझ में आ रहा होगा कि ये उस समय की वीडियो है जिस समय पुलिस छापेमारी कर रही थी उसके घर पे, उसको तलाश रही थी। आगे देखो बैकग्राउंड में भी एक सिपाही टहल रहा था। हाँ, बैकग्राउंड में सिपाही ढूंढ रहा, मतलब वो छापेमारी एक तरह की। उस समय ये बता रहे थे कि वो तो बम्बई है, 2 महीने से आया नहीं घर पे, तो वो घर पे तो नहीं था, वो घर पे नहीं था और 2 महीने से नहीं था जो बता रही है। हालांकि कितना सच बोल रही तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद वो बता रही कि हम तो स्कूल से छोड़ के आया था, फिर 2 बजे घर ही पे था। तो ये पूरा ये मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो जब पुलिस ने बनाया तो ये तो उसी दिन से यूपी सरकार के पास था, योगी आदित्यनाथ के पास होगा, डीजीपी के पास होगा, लेकिन जानबूझकर उन्होंने कहा कि जरा इसको रखे रहो, पहले इनके झूठ का नंगा नाच हो जाने दो ताकि ये कहीं मुकर ना पाए। ये सबसे खास बात है, ये तो आइए सच तो था ही सामने। चाहते तो जिस दिन अखिलेश यादव ने आके बताया था कि अरे वो तो बेचारे घर से उठा ले गए, उसी दिन पुलिस ये वाला वीडियो दिखा देती, लेकिन पुलिस उसको रखे रही कि जरा रुक जाओ, इनको पूरी तरह से इनके कपड़े उतर जाने दो, जब पूरी तरह उतार कर नंगे होके नाचना शुरू करें तब ये दिखाएंगे कि देखो तुम नंगे हो, तुम्हारे सामने सच ये है। तो ये गजब का काम किया है यूपी पुलिस ने और बेहतरीन है, और बिल्कुल सही हम लोग का टाइटल है, योगी बाबा तब कपड़े उतरवाते हैं उसके बाद सच बताते हैं। तो सच बताया, अब सच के बाद मनी जी कुछ बाकी नहीं रह जाता, लेकिन सच तब बताया जब सारे कपड़े इनके उतर चुके हैं। बिल्कुल, सोचिए कि ये लोग कितना खतरनाक, मतलब चूंकि अखिलेश यादव का उद्देश्य अभी उन जगहों पे चुनाव होना है जो यादव बहुल है, तो यादवों का इस्तेमाल वो सिर्फ करे, मतलब एक समझिए कि एक मंगेश यादव को ऐसा बना दिया जैसे वो पता नहीं कहाँ का क्या हो, इतना गरीब गुरबा, एक सामान्य डाकू के लिए क्योंकि उसके नाम में यादव लगा हुआ है, उसका दोहन अखिलेश करना चाहते हैं, लेकिन उसी में नग्न हो गई पूरी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। और उसके बाद देखिए वो खैराती सर, वो बलात्कारी पांडे का जो भाई है खैराती पांडे, ये सब नाचने लगा मंगेश यादव को, मेरा बाप मंगेश यादव का पारा भी नाचने लगा बलात्कारी पांडे का भाई। हाँ, मगर अब सच सामने है, कोई जवाब हो तो बताइए। मतलब ये सोचिए कि इस देश में जाति और मजहब के नाम पर एक डकैतों के लिए किस तरह से दंगा फसाद जातिवादी युद्ध कराने की साजिश की गई। ये मनीष जी बहुत शर्मनाक बात है, ये बहुत शर्मनाक बात है कि जहां लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता उत्तर प्रदेश में हुए, वहां पे इस तरह के लोग आ गए हैं कि किस तरह से झूठ बोल के जातिवाद के नाम पर जहर फैला के ये राजनीति कर रहे हैं। और सचमुच ये घिनौना है, और हम लोग इसीलिए कह रहे थे कि लेकिन देखिए कि किस स्तर, उसके बाद जब नग्न हुए तो देखिए अखिलेश यादव अपना लंबी नाक लेकर के सामने आए, और 1 मिनट का भी शायद नहीं है उनका वीडियो। अब जब सच सामने आ गया है मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सोचिए, मुझे लगता हर सनातनियों को सोचना होगा, ये मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता, ये योगी से नफरत में, सनातन से नफरत, क्योंकि अब चोरी पकड़ी गई तो ये इस स्तर तक चले गए। हाँ, ये चोरी पकड़ी गई, इसकी तिलमिलाहट है, इस तरह के बयान आदमी देता रहता है, लेकिन ये मैंने कहा ना कपड़े सब उतर रहे हैं और अभी धीरे धीरे इस पर भी उतरेंगे मनीष जी, ये माफिया और मठाधीश पे भी उतरेंगे इनके। और ये जरा मुल्ला के लिए कह के देखे ना, ये इसके 20 साल का जो राजनीतिक जीवन है, बल्कि और ज्यादा है, तो 2004 में तो राहुल हुआ था, ये उससे पहले हो गया था सांसद, तो उसके ये अपना 24-25 साल के जो राजनीतिक जीवन है, इसमें कभी इसने एक ओवर मुल्लाओं के लिए कहा हो तो जरा बताइए। बिल्कुल, और ये तो ठेका लेके घूम रहे हैं, हिंदू धर्म को जब मौका मिले तब गाली दो, सनातन धर्म को जब मौका मिले तब गाली दो, ये कोई इसकी पहली करतूत तो नहीं है, पिछले 25 साल से यही आदमी कर रहा है। और यही शर्मनाक है, लेकिन वही चीज है जो हम लोगों ने कहा कि
योगी पहले कपड़ा उतरवा देते हैं कि खुद नंगे होकर नाचो और उसके बाद उनका सच सामने लाते हैं। उसको सामने ला देते हैं। और योगी एक तरह से ये भी मनीष जी इनको जरा भी अगर अकल हो, हालांकि अकल से कोई लेने देना नहीं विपक्ष का, कि इनको अब तो सावधान हो जाना चाहिए कि योगी बाबा के खिलाफ कुछ चलाने से पहले पहले सोच समझ लो, जांच पड़ताल कर लो कि क्या तैयारी है। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जब ये दो तीन चार दिन नाच लिए तब उन्होंने शीशा ला के रख दिया कि देखो तुम नंगे हो।